हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप गाइस आप सब अच्छा होगे। तो गाइस आज की इसी वीडियो के अंदर हम ले करने वाले कुछ टप से पुष्पा मूवी पोस्टर के ऊपर फोटो एडिटिंग। तो ये पर लोगों ने देख सकते हो गाइस हमारे एडिटिंग को, ये काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस आप लोग को ये फोटो एडिटिंग कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ओके? और गाइस आप लोगों ने अभी तक ये मूवी को नहीं देखे तो क्या कर रहे हो, और जाकर मूवी को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है ये मूवी। तो गाइस आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक ऊपर चाहिए, ओके? तो गाइस इसी वीडियो के अंदर मैंने जो भी कुछ यूज किया हूँ, जैसे गाइस बैकग्राउंड और PNG, ये सभी का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, आप लोगों ने जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाडी का लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, ओके? तो चलिए गाइस वीडियो का कर लेते स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने पिक्सल एप्लीकेशन का ओपन करके ये भले ऑसम से बैकग्राउंड का आप लोगों ने ओपन करना होगा, ओके? तो यस हम क्या करेंगे, सबसे पहले टूल्स के अंदर आएंगे, देन आप लोगों ने रिसर्च के अंदर रहना होगा। तो इसका अमाउंट का आप लोगों ने रखना होगा 3000 रखना होगा, ओके? देन आप लोगों ने पर क्या करेंगे, डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम इसको डन कर दिया। तो आप लोगों ने क्या करेंगे, फिर से टूल्स के अंदर रहना होगा। आप लोगों ने पर क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को जो है इसको हल्का से एक ब्लर इफेक्ट देना होगा, इसलिए आप लोगों ने क्या करेंगे इसका अमाउंट का आप लोगों ने रख दीजिए 5 में रख लीजिए, ओके? देन गाइस आप लोगों ने पर क्या करेंगे, इसको डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम इसको डन कर दिया, ओके? तो ये हम क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो के अंदर आएंगे, ये थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोग को। तो ये से आप लोगों ने क्या करना, थोड़ा सा वेट करना होगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके? तो आप लोग देख सकते हो कैसे आ चुके हैं ब्लर, ओके? तो आप लोगों ने पर क्या करूँगा ऐड फोटो के अंदर आना होगा फिर से। तो ये सब क्या करेंगे आप लोग को, ऐसे आप लोग को एक लाइट का PNG मिलेगा, ओके? व्हाइट लाइट का PNG मिलेगा। तो आप लोगों ने सिंपल से बोल लाइट वाले PNG को यहाँ पर जो है इसको ऐड करना होगा। तो चलिए गाइस हम लाइट वाले PNG को यहाँ पर जो ऐड कर देते हैं। तो गाइस ये लाइट वाले PNG आप लोग को इसको ऐड करना होगा, ओके? तो सॉरी गाइस मैं इसको व्हाइट बोल दिया था। तो आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा, और गाइस आप लोगों ने इससे क्या करना, एडजस्ट के अंदर आना होगा, और आप लोगों ने क्या करना, इसका सैचुरेशन आप लोगों ने माइनस कर दीजिए, ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके? और इसका जो ब्लेंडिंग मोड का आप लोगों ने चेंज कर दीजिए, इसको ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके इसको स्क्रीन रखना होगा, बहुत अच्छा है। देन इस PNG को आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर इसको जो है सही तरीके से इसको सही तरीके से लगाना होगा। देन गाइस आप लोगों ने यहाँ पर डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम इसको डन कर दिया, ओके? तो ये सब क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो के अंदर आएंगे। तो ये पर आप लोगों ने कुछ लकड़ी का PNG मिलेगा, आप लोगों ने सिंपल से बोल लकड़ी वाले PNG को यहाँ पर ऐड करना होगा, ओके? तो इस PNG का आप लोगों ने फुल बैकग्राउंड में इसको सही तरीके से सेट कर लगाना होगा। देन गाइस आप लोगों ने यहाँ पर डन कर दीजिए। तो ये सब क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो के अंदर आएंगे। ये पर आप लोगों ने यहाँ पर अपने मॉडल को जो है यहाँ पर ऐड करना होगा। तो गाइस आप लोगों ने भी कुछ टाइप से पोज को ले सकते हो, ओके? तो आप लोग पर क्या करेंगे, अपने मॉडल को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो गाइस मैं मॉडल को बैकग्राउंड को पहले ही इरेज कर देता हूं। आप लोग अपने बैकग्राउंड को इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू बैकग्राउंड रिमूव। तो आप लोगों ने सिंपल से वो वीडियो को देख लीजिए और अपने बैकग्राउंड को इरेज कर दीजिए, ओके? तो आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने बैकग्राउंड को इरेज करके ये पर बैकग्राउंड को ऐड कर दिया, सॉरी गाइस मॉडल को ये पर ऐड कर दिया। तो आप लोगों ने भी कुछ से ऐड करना होगा, ओके? तो आप लोग पर क्या करेंगे, कुछ से अपने जो क्वेरी को PNG आप लोगों को पहले PNG मिलेगा, इसको आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लगाना होगा। इसको आप लोगों ने क्या करेंगे, इसको मूव डन कर दीजिए। ये जो PNG अपने मॉडल का जो हाथ है इसके पीछे चले जाएगा, ओके? और काफ़ी रियलिस्ट का लुक देगा। तो आप लोगों ने इसको जरूर से ऐड करना होगा। तो ये सब क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो के अंदर रहेंगे। तो आप लोग को मॉडल के नीचे आप लोगों ने शैडो को क्रिएट करना होगा, इसलिए आप लोग को एक ब्लैक इमेज दिखाई देगा, आप लोगों ने सिंपल से वो इमेज को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये रहे इमेज, आप लोगों ने इसको ऐड कर दीजिए। देन इस इमेज को आप लोगों ने फुल बैकग्राउंड में लगा दीजिए, इरेज के अंदर रहते हैं, एनएस के ऊपर मैनेज करते हैं, ओपेसिटी को मैनेज करके साइज को आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए, ओके? तो आप लोगों ने पर क्या करना, हल्का से इसको जो शैडो क्रिएट करना होगा। ओके तो गाइस आप लोगों ने भी कुछ इसके नीचे जो हल्का से एक शैडो को क्रिएट करना होगा, बहुत अच्छा है। देन गाइस आप लोगों ने यहाँ पर डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम इसको डन कर दिया, ओके? और आप लोगों ने इसको क्या करेंगे, इसको जो है मूव डन कर दीजिए। ऑपोजिट के अंदर रहते हैं, ऑपोजिट का आप लोगों ने हल्का से डाउन करके इसको 53 में रख दीजिए, ओके? देन गाइस आप लोगों ने यहाँ पर क्या करेंगे, डन कर दीजिए।
तो चलो एक एसएमएस को डन कर दिया हम, तो एसएमएस क्या करेंगे फिर से 8 फोटो के अंदर आएंगे। तो आप लोग के पर क्या करूँगा एक हेयर का पेंज मिलेगा, तो आप लोगों ने सिंपल से वो हेयर वाले पेंज को यहाँ पर डाउनलोड करना होगा और आपने जो है अपने हेड को पर इसको जो है सही तरीके से इसको अपने फोटो के हिसाब से इसको क्रॉप करके लगाना होगा। ओके तो यह सुन के करेंगे हल्का से इसको क्रॉप करके लगा देते हैं। तो गाइस आप लोगों ने भी कुछ भी इसको जो सही तरीके से इसको क्रॉप करके लगाना होगा। ओके यह सुन के करेंगे आप लोगों ने पर क्या करूंगा इसको ऑपेस जो हल्के से डाउन कर दीजिए। ओके इरेज के अंदर रहते हैं आप लोगों ने पर क्या करूंगा हार्डनेस को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए, साइज को आप लोगों ने थोड़ा सा माइनस करके यहाँ पर आप लोगों ने अपने हेड के हिसाब से आप लोगों ने इसको इरेज करना होगा। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इसको अपने हेड के हिसाब से इसको इरेज कर दिया हूँ। ओके तो गाइस आप लोगों ने भी कुछ तरह से इसको इरेज करना होगा, देन आप लोगों ने पर क्या करेंगे डन कर दीजिए, ऑपोजिट कलर आप लोगों ने इसे फुल कर दीजिए। ओके ये काफी रियलिस्टिक लुक देखकर आप लोगों ने जरूर से इसको ऐड करना होगा। देन गाइस आप लोगों ने इसे क्या करेंगे इरेज की तरफ फिर से आते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा अपने जो ईयर वाले पेंज है इसको यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करूंगा। देन गाइस आप लोगों ने पर डन कर दीजिए। ओके तो ये पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डन कर दिया और काफी रियलिस्टिक भी लग रहा है। तो आप लोग क्या करूंगा फिर से 8 फोटो के अंदर आना होगा। ओके तो आप लोग क्या करूंगा आप लोग को एक और पेंज मिलेगा जो कि गाइस ग्रास हुआ वाले पेंज, आप लोगों ने सिंपल से वो पेंज को यहाँ पर जो है ऐड करना होगा। ओके तो चले गए हम वो पेंज को यहाँ पर जो है ऐड कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते मैंने ये वाले पेंज को यहाँ पर ऐड कर दिया। तो गाइस आप लोगों ने भी कुछ ये वाले पेंज मिलेगा आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा। ओके देन इसका इस पेंज को आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों ने कुछ जब इसको जो है सही तरीके से सेट कर लगाना होगा, देन आप लोगों ने पर डन कर दीजिए। तो ये सब क्या करेंगे फिर से 8 फोटो के अंदर आएंगे। यस आप लोग को एक टेस्ट का पेंज मिलेगा जो कि गाइस मेन पार्ट है जो एडिटिंग का पुष्पा टेस्ट वाले पेंज आप लोगों ने इसको ऐड करना होगा। तो आप लोगों ने इस पिक्चर का आप लोगों ने नहीं देखा अभी तो क्या कर रहे हो जाकर पिक्चर को देख लीजिए, काफी ऑसम से फिल्म है आप लोगों ने इसको देख लीजिए। देन गाइस आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा करके जो टेस्ट वाले पेंज को यहाँ पर सही तरीके से सेट कर लगाना होगा। ओके तो ये सब क्या करेंगे डन कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करेंगे फिर से 8 फोटो के अंदर रहना होगा। ये आप लोग को एक टेस्ट का भी पेंज मिलेगा, इस वाली पेंज को आप लोगों ने ऐड करना होगा। ओके तो आप लोग देख सकते हो गाइस हमारे एडिटिंग को ये एडिटिंग 50% हो चुका है। तो आप लोगों ने इसको एडिटिंग करना होगा इसलिए आप लोगों ने फोटो को लाइट रूम के अंदर ओपन करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो गाइस हम गए लाइट रूम के अंदर, तो आप लोग को ई एडिटिंग का एक प्रीसेट मिलेगा, आप लोगों ने सिंपल से वो प्रीसेट को डाउनलोड करना होगा। ओके तो ये सब क्या करेंगे वो प्रीसेट को ऊपर कॉपी कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसे क्या करूँगा थ्री डॉट के अंदर आना होगा। यस आप लोगों को कॉपी सेटिंग में क्लिक कर दीजिए और अपने फोटो के अंदर इसको अप्लाई करना होगा। ओके तो गाइस आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है मुझे इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज कर सकते हो, तो मैं इसका रिप्लाई आप लोग को दे दूंगा। तो आप लोग अगर मुझे चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो गाइस प्रीसेट का ये कमाल है। तो आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर फोटो एंड आफ्टर फोटो काफी कमाल का लग रहा है। तो गाइस आप लोगों ने भी कुछ तरह से इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा लाइट के अंदर आऊँगा, क्रॉप के अंदर आऊँगा। तो गाइस आप लोगों ने फोटो के अंदर इसको हल्का से डार्कनेस भी दे सकते हो। ओके तो गाइस आप लोगों ने कुछ तरह से करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का ई एडिटिंग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।